और इधर नए साल के जश्न में शराब पार्टी करते हुए नशे में धुत होकर हंगामा करने के आरोप में अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी में कुल 14 आरोपी पकड़े गए। इनके कब्जे से शराब की बोतलें डिस्पोजल ग्लास भी बरामद की गई है। पकड़े गए सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। पीरबहोर थाना प्रभारी सभी उल हक ने बताया कि शुक्रवार की रात नया गांव स्थित जूनियर मदरसा गली में प्रभु राय के संयुक्त मकान के छत के ऊपर शराब पार्टी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान शराब पीने के आरोप में अमरनाथ कुमार, रोहित कुमार, बिट्टू कुमार और कृष्ण कुमार को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 3 बोतल अंग्रेजी शराब और डिस्पोजल ग्लास बरामद हुई। ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच से ये भी शराब के नशे में पाए गए। जक्कनपुर थाना प्रभारी सुदामा प्रसाद ने बताया कि करबीघैया के पास शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में राजू पंडित, राजू सहनी व विजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दीघा थाना प्रभारी राजाराम पांडे ने बताया कि दीघा नहर के पास शराब पीने व शराब बरामद होने पर अजय कुमार व सत्येंद्र कुमार निवासी जहाज घाट को गिरफ्तार किया गया है। कंकड़बाग पुलिस ने पोस्टल पार्क के पास शराब के नशे में धुत चांदमारी के अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी निहार भूषण ने किदवाईपुरी में शराब पीकर हंगामा करते निरंजन कुमार को गिरफ्तार किया। तो ये पटना में तमाम जगहों से लगातार शराब पीने के मामले को लेकर के गिरफ्तारियां होती रही है और नए साल पर शराब पार्टी के खिलाफ पुलिस अपना अभियान जारी रखी है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।